आपने लाइफ में कभी ना कभी बाइक या कार तो खरीदा ही होगा। तो जब आप बाइक या कार खरीद रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपको कुछ बुकलेट दी जाती हैं जिसपे इंजन की कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रोक, टॉर्क, पावर या अन्य बहुत सारी जानकारी उसमें लिखी होती हैं। तो उनमें से कुछ जानकारी आपको पता होती हैं और कुछ जानकारी आपको नहीं भी पता होती हैं। तो फिलहाल आज का जो ये वीडियो है वो इसी बेस पे है और बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा इंजन के बहुत सारे बेसिक टर्म्स। मैं हूँ योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये ऑटोमोबाइल सीरीज का चैप्टर 2 एंड पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आरपीएम क्या है, सीसी और ट्रांसमिशन क्या होता है। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट में बताएंगे इसके बेसिक टर्म से इसके एडवांस तक जाने का सफ़र। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो जो स्ट्रोक होता है वो इंजन के अंदर जो सिलेंडर लगा होता है उसमें जो एक पिस्टन रोटेशन में आता है, जिसमें से पिस्टन जो हमारा टीडीसी से बीडीसी के बीच में जब आता है तो उसमें हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। जी हाँ दोस्तों, टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। इस डिस्टेंस को हमारा एक स्ट्रोक बोलते हैं। और जब इस तरह से जब वह दो स्ट्रोक कंप्लीट करके हमारा जब एक पावर जनरेट करता है तो वो हमारा इंजन 2-स्ट्रोक इंजन कहलाता है। और जब इसी तरह से 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने पे एक पावर जनरेट करता है उसे हम लोग 4-स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब टॉर्क के बारे में। तो देखिए, टॉर्क जो होता है वो टॉर्क इज अ फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज अ रोटेशन। जी हाँ, जो टॉर्क होता है वो हमारा रोटेशनल पावर होती है। किसी भी चीज़ को घुमाने में जितना फोर्स लगता है या फिर जितनी तेज़ी से हम उसे घुमा सकते हैं उसी को टॉर्क कहते हैं। आपको आम भाषा में अगर मैं बताऊँ तो हमारे घरों में जो दरवाज़ा लगा होता है उसे बहुत नज़दीक से खोलने या बंद करने पर वो बहुत ही मुश्किलों से खुलता या बंद होता है, लेकिन अगर उसी के डोर के कॉर्नर से हम उसे फोर्स लगाएं, रोटेशनल फोर्स लगाएं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आरपीएम के बारे में। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो कुछ डिजिटल होता है या फिर कुछ एनालॉग भी होता है। उस टाइम पर जो आपका एनालॉग मीटर होता है उसमें कहीं कहीं किसी बाइक में आपने देखा होगा कि आरपीएम भी शो करता है। जी हाँ, आरपीएम जो रहता है वो हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब इंजन हमारा वर्क करता है, यानी कि जब बहुत ही तेज़ी से इंजन स्टार्ट होता है और उसका पिस्टन काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, तो उसमें होता यह है कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा पिस्टन कितनी बार ऊपर और नीचे गया इस रोटेशन को ही नापने में हमारा आरपीएम मदद करता है। आप जो ये आरपीएम होता है वो हमें ये बताता है कि आखिरकार 1 मिनट में कितनी बार पिस्टन ऊपर और नीचे होता है। तो इसी को कहा जाता है रेवोल्यूशन पर मिनट। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं सीसी के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाइक्स में या फिर बहुत सारे कार में सीसी का यूज़ होता है कि 1000 सीसी इंजन है, 100 सीसी इंजन है, 150 सीसी इंजन है, 350 सीसी इंजन है। तो आखिरकार इनका मतलब क्या होता है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि जो सीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। जी हाँ, कोई भी इंजन की कितनी कैपेसिटी है वो सीसी पे ही डिपेंड करता है, यानी कि उसका ट्रक कितना स्पेस घेरता है और उसमें जो पिस्टन लगा होता है उसमें कितना क्यूबिक कैपेसिटी होती है उसी को हमारा सीसी बोला जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप बाइक लेने जाते हैं या कार परचेज करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसमिशन भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। और ये जो ट्रांसमिशन होता है वो ये कहलाता है कि आपकी बाइक या फिर कार में कितने गियर्स लगे हुए हैं। जी हाँ, यानी कि 4 गियर्स हैं या फिर 5 गियर हैं या फिर 6 गियर वाली आपकी बाइक या फिर कार है, वो ट्रांसमिशन आपको बता देता है।
तो फिलहाल ये रही हमारे 5 पॉइंट। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर इंजन के बारे में और भी अच्छी तरीके से एडवांस टर्म्स ऑफ इंजन के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।